दोस्तों एक वो भी समय था जब भारत अपना सबसे बड़ा दुश्मन सिर्फ पाकिस्तान को ही समझता था और पाकिस्तान को टैकल करने के लिए हथियार का निर्माण और खरीदता भी था। लेकिन अब भारत अपना सबसे बड़ा दुश्मन चाइना का मानता है। दरअसल आपको याद ही होगा कि 2020 में जब गलवान घाटी हिंसा हुई थी उस समय चाइना के कम्युनिस्ट सरकार की भोपू मीडिया ग्लोबल टाइम्स ने कहा था कि मौजूदा वक्त में भारत की तैयारी चाइना के मुकाबले बहुत ही कम है और वहीं चाइना के इंफ्रास्ट्रक्चर और सैन्य तैयारी LSC पर बहुत ही ज्यादा स्ट्रांग है। और मैं आपको बात बता दूं कि चाइना की बात कुछ हद तक सही भी थी क्योंकि भारत हमेशा पाकिस्तान को ही ज्यादा फोकस करता था और आप मानो या ना मानो पहले की सरकार चाइना को इग्नोर ही करती थी और बस इसी कारण से चाइना के मुकाबले LSC पर भारत का इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत ही ज्यादा कमजोर था। लेकिन अब गलवान घाटी हिंसा के 3 साल भी नहीं हुए और भारत ने इतनी तेजी से अपना LSC पर काम पूरा किया। एक एग्जांपल देता हूं, जहां पर भारतीय सेना LSC पर जाने के लिए लगभग 18 घंटे लगा करते थे, वहीं अब भारतीय सेना मात्र 2 से 3 घंटे में LSC पर आराम से पहुंच जाते हैं। भारत LOC पर हजारों किलोमीटर में नए रोड, ब्रिज, टनल, हेलीपैड इत्यादि का निर्माण कर चुका है और करता ही जा रहा है। और आप देखते ही होंगे कि चाइना जिस भाषा में समझना चाहता है वहीं भारत उसी भाषा में चाइना को समझा भी रहा है। अब वहीं चीन का भोपू मीडिया जो ग्लोबल टाइम्स पहले बोल रहा था चाइना के मुकाबले भारत का इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत ही कमजोर है, लेकिन अब वही भोपू मीडिया ग्लोबल टाइम्स जो भारत को LOC पर बढ़ते ताकत को देखकर यह बोल रही है कि भारत LOC पर जंग का माहौल बना रहा है। और भारत की खुफिया रिपोर्ट्स की माने तो चाइना भारत के सभी मिसाइलों को रोकने के लिए अलग अलग अभ्यास कर रहा है ताकि युद्ध के समय में ज्यादा दिक्कत का सामना न करना पड़े। लेकिन यहां पर भारत भी कहां चुप रहने वाला था। मजे की बात यह है कि चाइना एक मिसाइल की तोड़ निकालता है तो भारत दूसरी मिसाइल लाके खड़ा कर देता है, चाइना दूसरी मिसाइल की तोड़ निकालता है तो भारत तीसरी मिसाइल लाके खड़ा कर देता है। आप अगर डिफेंस न्यूज को रेगुलर फॉलो करते होंगे तो भारत लगभग 2020 में ही लगभग 21 अलग अलग मिसाइल का परीक्षण किया था, वो भी सफल परीक्षण था। चाइना कितनी भी मिसाइल का तोड़ निकाले भारत हमेशा चाइना से एक कदम आगे ही रहेगा, वो भी खास करके मिसाइल के बारे में। और मैं आपको एक बात बता दूं कि भारत दुनिया का एकमात्र ऐसा देश है जिसके पास अलग अलग वैरायटी के मिसाइल दुनिया के किसी भी देश के मुकाबले सबसे अधिक। दोस्तों इंटरनेशनल मीडिया के एक स्पोक्स पर्सन ने बोला है कि भारत जिस तरह अपने क्रूज मिसाइल की जखीरे को LSC पर बढ़ाया है उससे चाइना को परेशानी अवश्य होनी चाहिए। और उन्होंने ये भी कहा है कि अगर भारत सही समय पर ऐसा नहीं करता तो चाइना के साथ एक स्मॉल स्केल पर युद्ध भी देखने को मिल सकता था। दोस्तों डिफेंस के मामले में भारत की सबसे बड़ी ताकत है मिसाइल और इसी मिसाइल के दम पर भारत आसानी से चाइना को टक्कर दे भी सकता है। खैर आज का सवाल यह है कि चाइना और पाकिस्तान में इतनी हिम्मत है क्या जो भारत के साथ युद्ध करने के लिए सोचे भी। अपना जवाब कमेंट बॉक्स में जरूर दें। जय हिंद।